मुद्दा होगा चुनाव में? हमारा मुद्दा है, यहाँ गरीबी इतनी है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीब आदमी चरमरा गया है महंगाई से। बच्चों को रोजगार नहीं है, किसानों की आय आधी हो गई, आदमी खाने की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था जर्जर है, हमारे यहाँ दवा का इंतजाम नहीं है, अस्पताल का इंतजाम नहीं है। बहुत ही मुद्दे हैं जिसमें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान की आय हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन BSP से हुआ था, इस बार SBSP से हुआ है, तो क्या इस बार गठबंधन जो हुआ है आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? ये गठबंधन SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, यहाँ तक कहा है कि मुझे एक सीट नहीं मिलेगी तभी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो इसे समझ लीजिए कि अब यह गठबंधन बहुत मजबूत है, स्वाभाविक है और ज़मीन पर है, और केवल SBSP से नहीं, जनवादी पार्टी से, महान दल से, अपना दल से, और चौधरी जयंत सिंह के राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन है, और भी कई गठबंधन होने हैं, ये गठबंधन चलेगा, ज़मीन पर चलेगा। सर अभी जब भाषण आप दे रहे थे तो उसमें बोले कि उपेंद्र तिवारी ने भ्रष्टाचार किया है 500 शादी में, तो उसका एक तो उदाहरण हमें बताइए। मैंने तो उदाहरण मंच पे बता दिया, आपने उसको कोट करना चाहिए था। यहाँ लगातार आपके फेसबुक पर चल रहा है, गुप्ता बयान दे रहे हैं, सुरेंद्र गुप्ता, उस चैनल को खोज लीजिए, आजकल तो अपडेट है, वो एक एक चीज़ बता रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हुआ शादी में, टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। जो ज़रूरतमंद है उनको कुछ शादी हुई नहीं, जो ज़रूरतमंद नहीं थे उनकी शादी कराई गई, उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जांच का विषय है, और सरकार बनेगी हमारी तो इसकी जांच होगी। सर इस बार आपका जो गमछे का रंग है ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है। हमारा ये फूल है बागीचे का, बागीचे में तरह तरह के फूल जब तक नहीं खिलते हैं, हर जात और धर्म के लोग खुशहाल नहीं होंगे, तो हमारा ये गमछा बताता है कि हमारी सरकार बनेगी, हर जात और हर धर्म के लोगों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे, सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, जातीय गणना कराएंगे और सब तक योजनाओं को पहुँचाने का काम करेंगे। ये खूबसूरती के दिन है, इंद्रधनुष है हमारा ये गमछा, सारे रंग हमारे खिलेंगे, और हर रंग का फूल जब खिलेगा तभी बागीचा अच्छा लगता है, एक ही फूल हो तो वो बागीचा अच्छा नहीं लगता। सर समाजवादी पार्टी पे का ज़्यादा आरोप ये लगता है कि जैसे MOI फैक्टर ज़्यादा काम करता है इस पर। महिला और यूथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा महिला और यूथ हमारे आइकान हैं, हमारे किसान हमारे लिए आइकान हैं, हमारा ये जो गठबंधन है उसमें बैठे हुए सारे नेता ये साबित करते हैं कि सारे समाज का प्रतिनिधित्व करके हम एक सुंदर और स्पष्ट और ईमानदार सरकार और हर घर तक हर योजना को पहुंचाने वाला काम करने वाली सरकार देने वाले हैं। तो इस बार आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि पढ़ाई का इंतजाम, दवाई का इंतजाम, सिंचाई का इंतजाम, खाद बीज का इंतजाम, हर इंतजाम, रोजगार का इंतजाम, अपने नौजवानों को अपने पैर पर खड़ा करने का काम, ये हमारा लक्ष्य है, और सड़कों का इंतजाम, अस्पताल, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाने का व्यवस्था करना, ये हमारा लक्ष्य है। इस पर हम सर पिछली बार देखा जाए तो आपका और अंबिका चौधरी जी का ये आपस में कुछ मतभेद रहा था, क्या इस बार वो कंफर्म हो गया? हम सारे लोग एकजुट होकर के चुनाव के मैदान में हैं और चट्टान की तरह खड़े हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रदेश भर में जो जोगी ने कर लिया, बलिया में हम लोगों ने फतह, जोगी को हरा करके फतह करने का काम किया, सातों के सातों सीट करके जीत करके, और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मोदी जी बोला है कि लाल टोपी और लाल गमछा से उनको डर लग रहा है, अब आप बताइए, अब इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दे दिया है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है, उनको किस किस रंग से डर लग रहा है, इसमें लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है, पीला भी है, अब डरते रहे हो जिससे डरना हो, सारे रंग तो अखिलेश यादव के साथ एकजुट हो गए हैं, अब उनको जुटना है, तो हार के वजह से बुखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, और इस वजह से देखिएगा पता नहीं क्या क्या लाने वाले हैं, अब कोरोना में बताइए 11 बजे रात से 5 बजे भोर तक क्या मतलब है उस कर्फ्यू का, जब देखा उन्होंने कि अखिलेश यादव की सभाओं में 12 बजे रात को भी लाखों लोग खड़े रह रहे हैं, 4 बजे भोर तक लोग खड़े रह रहे हैं, इनकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, इनके दिन में 12 बजे लोग नहीं आ रहे हैं और अखिलेश यादव की सभाओं में 4 बजे भोर तक लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने कोरोना लागू कर दिया और लगता है कि दिन में भी कोरोना कर देंगे ताकि अखिलेश यादव सभा न कर सके। ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं कि BJP को इस बार लाल जो कहा होगा वो सोच समझ के कहा होगा, और अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार का आखिरी समय आ गया है,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब स्नान कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, अंतिम सरकार का समय आता है तो यही किया जाता है। चलिए, हमारी शुभकामना।